नमस्कार सर जी। नमस्ते सर जी। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? फाइन फाइन सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो वैकेंसीज की खबर मिली है। और हाँ जी सर, पहले तो आपसे ही हम पूछना चाहेंगे सर, वैकेंसीज कब तक आ सकती है? क्योंकि टाइम तो दिया था कि मई के लगभग आनी चाहिए थी, और जैसे आप भी प्रयास कर रहे हैं तो मतलब कब तक उम्मीद कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि बहुत सारे ओवर एज हो जाएंगे सर। नहीं, कोर्ट ने इनको जुलाई की कोई डेट दी है कि तब तक अपनी पूरी एक्सरसाइज कर लो। अच्छा जी, तो उम्मीद है कि शायद उस तारीख से पहले एडवर्टाइजमेंट भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर इसमें लगभग सारी पोस्ट है, जैसे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, या सिर्फ एक की है टीजीटी की? लेकिन हाँ, सारी है ये जो है ना, 26,000 पोस्ट है। 26,000 पोस्ट है सर? हाँ हाँ, 26,000 पोस्ट है। सबसे ज्यादा तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में है। अच्छा। और 6,000 से ऊपर जो है एमसीडी में है। तो सारी पोस्टों की ही उम्मीद है कि जुलाई तक जो है इनमें आना चाहिए एडवर्टाइजमेंट। अच्छा सर, अगर जैसे मान के चलो ये डिले कर दें थोड़ा, तो आप तो बच्चों के साथ हैं ना? डिले करेंगे तो फिर जुलाई में इनकी खिंचाई होगी। नहीं सर, आपने वैसे बहुत तो मेहनत की है, और पहले से हम देखते आ रहे हैं इतनी सारी वैकेंसी जब भी आती हैं तो सर आपका तो नाम जरूर आता है, मतलब आप ही वैकेंसीज लेके आते हैं बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जो कोशिश कर रहे हैं बच्चों के लिए। नहीं अच्छा है ना, ये सब होना चाहिए। जब एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है तब जीरो वैकेंसी होनी चाहिए। हाँ, सारे जितनी भी वैकेंसी है सब फिल होनी चाहिए ना, बच्चों के इंटरेस्ट के लिए है। हाँ जी, हाँ जी सर। चलो सर, तो फिर उम्मीद कर सकते हैं कि हम जुलाई तक वैकेंसी आ जाएंगे? कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। चलो सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, ओके, थैंक यू।